स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये तीन विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। नमस्कार दोस्तों, मेरे इस मंच पर मैं अभिसार शर्मा आपका स्वागत करता हूं। क्या अपराध को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पास कोई हक है कि वो विपक्ष पर हमला करे? भारतीय जनता पार्टी की पोल खुल चुकी है। पहले चरण के मतदान में जो उम्मीदवार उतारे गए हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, सबसे ज्यादा आपराधिक पृष्ठभूमि के रिकॉर्ड के जो नेता हैं वो बीजेपी में हैं। आपके सामने दोस्तों ये खबर जो दिखाई दे रही है, भाजपा में सबसे ज्यादा दागी। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने पहले चरण के जो मतदान में जो उम्मीदवार उतर रहे मैदान, उनकी पूरी पड़ताल की है दोस्तों, और उससे पता चला है कि तमाम राजनीतिक दल कटघरे में हैं, चाहे अपराध हो चाहे धन्ना सेठ यानी कि करोड़पतियों का मैदान में उतरना। यानी कि अपराध को लेकर जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज बड़ी बड़ी बातें करती हैं, उसमें वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गई हैं। नंबर एक। नंबर दो, ये कहा जाता है कि इन चुनावों में हम गरीबों के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, मगर क्या आप जानते हैं अधिकतर टिकट्स जो हैं करोड़पतियों को दिए हैं और सभी पार्टीज ने। मगर सबसे पहले दोस्तों मैं बीजेपी की बात करना चाहूंगा, और वो इसलिए क्योंकि बीजेपी सत्ताधारी पार्टी है। बीजेपी दूसरे दलों पर हमला करती है अपराध को लेकर और लॉ एंड ऑर्डर की दुहाई देती है। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने क्या कहा है, सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के समन्वयक अनिल शर्मा ने बताया, पहले चरण की 58 सीटों पर 623 प्रत्याशी हैं, इनमें से 615 प्रत्याशियों के हलफनामे का उन्होंने विश्लेषण किया। एक चौथाई यानी कि 156 पर आपराधिक मामले हैं, और 156 में से 121 ऐसे हैं जिन पर गंभीर आपराधिक मामले हैं। अब इस हलफनामे के मुताबिक बीजेपी किस तरह से एक्सपोज होती है मैं आपको बताता हूं। बीजेपी के 57 प्रत्याशियों में से 29 में से 29 पर क्रिमिनल केसेस हैं। समाजवादी पार्टी के 28 में से 21 पर क्रिमिनल केसेस हैं। रालोद के 29 में से 17 प्रत्याशियों पर क्रिमिनल केसेस हैं। कांग्रेस के 58 में से 21 प्रत्याशी, यानी कि अगर हम 58 सीटों की बात करें तो शायद सबसे कम जो क्रिमिनल केसेस हैं वो कांग्रेस में होने चाहिए, मगर नहीं, बीएसपी 56 में से 19 और आम आदमी पार्टी के 52 में से 8 प्रत्याशियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। जिसका अर्थ क्या हुआ कि सबसे कम क्रिमिनल्स जो हैं वो आम आदमी पार्टी लड़ा रही है, उसके बाद बारी आती है बीएसपी की। बीएसपी जो कि 56 में से 19 जो हैं वो आपराधिक केस हैं, और फिर कांग्रेस 58 में से 21। कटघरे में समाजवादी और रालोद गठबंधन है और बीजेपी है। मगर सबसे पहले दोस्तों मैं आपको सुनवाना चाहूंगा अमित शाह ने क्या कहा था, उन्होंने किस तरह से विपक्ष पर हमला बोला था और लॉ एंड ऑर्डर की दुहाई दी थी, सुनिए उनको। मित्रों, अखिलेश जी मुलायम जी मुख्यमंत्री होते थे तो साथ में कौन दिखता था आपको तो अब याद नहीं होगा, क्योंकि बहुत समय से सारे लोग जेल में है। मगर मैं याद करा दूं क्या आपको, कराओ, इनके साथ में देखते थे आजम खान, देखते थे, देखते थे या नहीं देखते थे? अरे यार जोर से बोलो, दिखते थे या नहीं दिखते थे? उनके साथ में दिखते थे अतीक अहमद, दिखते थे, दिखते थे या नहीं दिखते थे? इनके साथ में दिखते थे ये सहारनपुर वाले इमरान भाई, दिखते थे, दिखते थे या नहीं दिखते थे? उनके साथ में दिखते थे मुख्तार अंसारी, दिखते थे या नहीं दिखते थे? अब मैं आप सबको गारंटी लेकर कहता हूं, किसी ने 3 साल से इनको देखा है तो हाथ उठाओ जरा, देखा है क्या? देखा है क्या? जोर से बोलो, देखा है? कहां गए, कहां गए? अरे भाई गलती मत करना, कमल के निशान पर कहीं और थप्पा लगाओगे तो काउंटिंग के दूसरे दिन फिर से बाहर आ जाएंगे। आप चाहते हो बाहर आए?
मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज प्रस्तापित करने का काम किया है। किसी ऐरे गहरे को आज इजाजत नहीं है आपकी भूमि छीनने की, बहन बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने की। किसी ऐरे गहरे को, किसी आलिया मालिया जमालिया को छुट्टी नहीं है मित्रों, छुट्टी नहीं। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी वो महान पॉलिटिकल पार्टी है, जब सत्ता में आती है तो अपने तमाम नेताओं के खिलाफ केसेस हटा देती है। इन चेहरों पर गौर कीजिए, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से विधायक संगीत सोम, सुरेश राणा, जब ये लोग सत्ता में आए थे इन तमाम लोगों पर गंभीर मामले थे, गंभीर केसेस थे, मगर सत्ता में आने के बाद तमाम केसेस जो हैं वो हट गए। तो लॉ एंड ऑर्डर ऐसे दुरुस्त किया जाता है क्या साहब, कि केसेस हैं तो केसेस ही हटा दो, बताइए। और दोस्तों, सबसे शर्म की बात यह कि भारतीय जनता पार्टी दूसरों को ज्ञान देती है, वो ज्ञान देने का आपको बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया है आपके सामने। मगर सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी को जो गठबंधन चुनौती दे रहा है, और शायद सबसे गंभीर चुनौती दे रहा है, यानी कि समाजवादी पार्टी रालोद, अगर गठबंधन की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, समाजवादी पार्टी के 28 में से 21, रालोद के 29 में से 17, यानी कि 21 प्लस 17, यानी कि 57 सीटों में से 21 प्लस 17, 38 लोग समाजवादी पार्टी रालोद गठबंधन में से आपराधिक इतिहास के हैं। आज मैं अखिलेश यादव जी से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपको तमाम जगहों पर जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है, भाजपा के विधायक को खदेड़ खदेड़ के भगाया जा रहा है, और कल जो आपने रोड शो किया उसमें भी आपको जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर वो चमत्कार हो जाता है जिसका जिक्र मैं अक्सर अपने शोज में करता हूं कि सपा और रालोद यानी कि समाजवादी पार्टी अगर सत्ता में आ जाती है तो वो किसी चमत्कार, किसी राजनीतिक चमत्कार से कम नहीं होगा, मगर आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर आप सत्ता में आ जाते हैं 10 मार्च को, तो क्या आप मेरे दर्शकों को ये वादा करते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो आपके गठबंधन ने 38 आपराधिक इतिहास के लोगों को मैदान में उतार दिया है, जब आप सत्ता में आएंगे तो इन आपराधिक इतिहास के लोगों से जुड़ा जो पूरा तंत्र है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाहाकार तो नहीं मचा देगा? दोस्तों, मैं आपको बतलाने की जरूरत नहीं है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की सरकार में एक खास जाति के लोग, यानी कि जो ठाकुर जाति के लोग हैं, वो तमाम जगहों पर पोस्टेड हैं, चाहे ब्यूरोक्रेसी में, चाहे पुलिस में, और इस जाति के लोग जो अपराध करते हैं उस पर पूरी तरह से प्रशासन आंखें मूंद लेता है। ऐसी ढेरों मिसालें, मुझे आपको बतलाने की जरूरत नहीं है। यही होता था जब अखिलेश यादव सत्ता में थे, तमाम जगहों पर यादवों की पोस्टिंग होती थी, और उसके बाद जो अपराध उनके द्वारा किया जाता था उन पर मांगो प्रशासन जो है आंखें मूंद लेता था। मेरा सीधा सवाल, अगर आप सत्ता में आते हैं तो क्या आप 2012 से 2017 के बीच जो अखिलेश यादव थे या उनकी जो सरकार थी उससे अलग होने का परिचय देंगे? क्योंकि इसमें दो राय नहीं है कि पिछड़ी जाति के लोग आप में उम्मीद ढूंढ रहे हैं। अगर आपको इस तरह की प्रतिक्रिया, इस तरह का रिएक्शन मिल रहा है, इसका मतलब वो मुंह बाहे आपकी तरफ उम्मीद की नजरों से देख रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है तो 2012 से 17 के बीच जो हालात थे उससे अलग होगा। मुझे खुशी इस बात की है दोस्तों, हालांकि बीएसपी बहुत गंभीरता से चुनाव नहीं लड़ रही है मुझे ऐसा लगता है, मगर मायावती के जो खेमे में जो हैं सबसे कम अपराधी हैं, देखिए आम आदमी पार्टी में भी कम है, मगर आम आदमी पार्टी को एक गंभीर जो है खिलाड़ी नहीं माना जा सकता उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, उत्तराखंड और पंजाब के अंदर कहा जा सकता है, मगर उत्तर प्रदेश में इस वक्त नहीं माना जा सकता। मगर मैं आपको एक चीज बतलाना चाहता हूं, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज ये दावा करती है ना कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो गरीबों की बात करती है, इनकी पोल खुल रही है, जो आंकड़ा मैं आपको दिखलाने वाला हूं फर्स्ट फेज ऑफ उम्मीदवारों के बारे में। उत्तर प्रदेश चुनावों में करोड़पति प्रत्याशियों का बोलबाला, जो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स सामने रिपोर्ट लेकर आई है उसके मुताबिक
पहले चरण के चुनाव में 615 प्रत्याशियों में 280 करोड़पति हैं। करोड़पति प्रत्याशियों की लिस्ट में बीजेपी टॉप पर है। अपराधियों के साथ साथ बीजेपी करोड़पति लोगों को टिकट देने में भी टॉप पर है। बीजेपी के 57 में से 55 प्रत्याशी करोड़पति हैं। कांग्रेस के 58 में से 32 करोड़पति हैं। बसपा के 56 में से 50 और समाजवादी पार्टी के 28 में 23। वहीं समाजवादी पार्टी की साथ ही रालोद के 29 में से 28 उम्मीदवार करोड़पति हैं। यानी कि 51 उम्मीदवार गठबंधन रालोद और समाजवादी पार्टी के 51 जो उम्मीदवार हैं वो करोड़पति हैं। यहां तक कि आम आदमी पार्टी भी, दोस्तों आम आदमी पार्टी ने भी जो 52 लोगों को मैदान में उतारा है उनमें से 22 करोड़पति हैं। चलिए आम आदमी पार्टी को हम समझ सकते हैं क्योंकि एक नई पार्टी है, उन्हें खड़ा होने के लिए रिसोर्सेस चाहिए। और आपको याद है इन लोगों ने राज्यसभा में भी जिन गुप्ता बंधुओं को भेजा था उसकी वजह क्या थी, खैर वो एक अलग मुद्दा है, उस पर कभी और चर्चा होगी। मगर जो मैं कहने का प्रयास कर रहा हूं दोस्तों, जब हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हमसे कहते हैं हम गरीबों के लिए काम करते हैं, तो ये जो अभी अभी मैंने आपको लिस्ट दिखाई वो इन्हें पूरी तरह से एक्सपोज कर रही है। इसलिए मैं आपसे लगातार कह रहा हूं दोस्तों कि जब आप वोट दें तो इन तमाम बातों पर भी ध्यान रखें। जब आपके सामने आपका प्रत्याशी आपसे वोट मांगने आए तो ये तमाम फैक्ट्स उनके सामने रखें, क्योंकि इन फैक्ट्स को आपसे दूर किया जाता रहा है। आप में से कई लोग मुझसे कहते हैं कि आप बीजेपी से ही क्यों सवाल करते हैं, विपक्ष से क्यों नहीं सवाल करते हैं। मैं फिर आपको दोहराना चाहूंगा दोस्तों, बीजेपी सत्ता में है, बीजेपी के पास ताकत है, बीजेपी के पास एजेंसीज है जिससे वो लोगों को डरा सके। उनसे सवाल पत्रकारों को करना चाहिए। पालतू गुल्लू और कालू मीडिया अपना पूरा वक्त विपक्ष से लड़ने में जो है लगा देता है। विपक्ष से सवाल करने में क्या मजा है? जब समाजवादी पार्टी सत्ता में थी तब मैं उनसे सवाल करता था, 2014 से पहले जब कांग्रेस सत्ता में थी तो मैं उनसे सवाल करता था। तो विपक्ष से सवाल करने में क्या मजा है? मजा तब है जब आप ताकतवर लोगों से सवाल करो भाई। क्योंकि कमजोरों से सवाल करना या उन लोगों से सवाल करना जो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते बहुत आसान है। मैंने कई पत्रकारों को देखा है, उन पत्रकारों में और बीजेपी प्रवक्ताओं में कोई फर्क नहीं है। मसलन आपको याद होगा कुछ दिनों पहले एक वीडियो आया था, एक बीजेपी का काउंसलर था राघवेंद्र मिश्रा, जो एक बुजुर्ग आदमी की शर्ट पकड़ के उसको परेशान कर रहा था कि तू बीजेपी के लिए वोट क्यों नहीं देता। राहुल गांधी ने उसका हवाला करके कहा था कि देखो ये है हिंदुत्ववादियों की गुंडागर्दी। मैंने क्या देखा कि एबीपी न्यूज की पत्रकार आती हैं और वो कहती है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है राहुल जी, वो जो आदमी उनकी शर्ट पकड़कर खींच रहा है दरअसल वो उनका रिश्तेदार है। एक तो मैं समझ नहीं पाता हूं दोस्तों, हम सबके घरों में बुजुर्ग हैं, ये आप अपने बुजुर्गों की भी ऐसी इज्जत करते हैं क्या? अपने बाप दादाओं की, अपने चाचा की, अपने मौसा की, उनकी शर्ट पकड़ के ऐसे उनको परेशान करते हैं? वो भूल जाइए, मगर उन मोहतरमा को दखल देने की क्या जरूरत थी? आप भाजपा की प्रवक्ता हैं हाँ, क्योंकि ये वो लोग हैं दोस्तों जो प्रधानमंत्री के सामने बैठ जाते हैं तो असली सवाल पूछने के बजाय पूछते हैं कि क्या टॉनिक पीते हैं आप। ये दिक्कत है दोस्तों। बहरहाल इस मंच पर मैं आपके सामने हकीकत लाता रहूंगा। 10 मार्च के बाद अगर अखिलेश यादव सत्ता में आ जाते हैं, और चूंकि मैं खुद उत्तर प्रदेश में रहता हूं तो उत्तर प्रदेश की जनता के सवाल या मुद्दे खत्म नहीं हो जाने वाले हैं, वो सवाल बने रहेंगे और उन सवालों को लेकर मैं इस मंच पर उठाते रहूंगा, चाहे मैं जितने भी लोगों तक पहुंचूं। मैं उस कर्तव्य से पीछे नहीं हटने वाला हूं और यही बात बीजेपी को भी समझ जानी चाहिए। 7 साल हो गए हैं, अब तो सुधर जाओ। नमस्कार।